हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस बायोलॉजी। मैं अंशु गंगवार। बेटा आज हम थोड़ा सा अगले बढ़ते हैं और आज हम चर्चा करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड की। किसकी बात करेंगे? डाइजेशन ऑफ फूड। बेटा अभी तक हम लोगों ने कितना पढ़ाया बताओ? जैसे मैंने आपको एलिमेंट्री ग्लैंड पढ़ा दिया, मैंने आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ा दिया। बेटा ये तो हमारा बेसिक हो गया जो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मुझे पता होना चाहिए कि भाई मेरी एलिमेंट्री कनाल में कौन कौन से पार्ट होते हैं। हमने माउथ के बारे में पढ़ा, हमने ईसोफेगस के बारे में पढ़ा, हमने स्टमक के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ये तो तुम्हारा क्या हुआ बताओ बेटा? ये आपका एक एलिमेंट्री कनाल का बेस हो गया, ठीक है। और हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया, जिसमें मैंने सलाइवरी ग्लैंड को पढ़ाया जो तीन पेयर होती हैं हमारे माउथ में होती हैं। बेटा इसके बाद मैंने आपको स्टमक के बारे में पढ़ाया और इसके बाद और लास्ट में हमने किसके बारे में पढ़ा? पैनक्रियास के बारे में। क्लियर हुआ? आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डाइजेशन फूड का, कहाँ कहाँ होता है और कैसे कैसे फूड हमारा कन्वर्ट होता हुआ जाता है। क्लियर? ये तो हमें पता है कि भाई हमारा डाइजेशन होता है फूड का, लेकिन बेटा डाइजेशन को ऐसा ना माउथ में हो जाता है या खाली स्टमक में हो जाता है, नहीं। डाइजेशन कई स्टेप को फॉलो करता है और लगातार हर जगह पर होता रहता है। जैसे हम लोग माउथ खाना खाते हैं, बेटा माउथ में जाके हमारे क्या मिक्सिंग होती है? सलाइवा की मिक्सिंग होती है। और उस फूड को फिर हम लोग नाम भी उसके अलग अलग रखते जाते हैं। जैसे बेटा आप खाना खा रहे हो, अभी क्या बोल रहे हो उसको? रोटी बोल रहे हो? Yes, चावल आप खा रहे हो, चावल बोल रहे हो। लेकिन जब उसमें मिक्सिंग ऑफ सलाइवा हो जाएगा तो उसको फिर हम फूड नहीं बोलेंगे, उसको पता है क्या बोलेंगे? बोलस। क्या बोलेंगे? बोलस। तो कहाँ पे क्या बोलते हैं? और बेटा बोलस, बोलस। हाँ, और कहाँ पे किस एंजाइम का सीक्रेशन होता है? एक बार मैं पूरा ओवरव्यू आपको दिखा दूं, माउथ से लेके ए यानी कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन तक क्या क्या होता है, फिर हम लोग डाइजेशन के बारे में अगले बढ़ेंगे। एक फ्लो चार्ट आपका बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप देख के कत आपका क्लियर हो जाएगा। बेटा सबसे पहले बताओ, इधर देखो सब लोग, ये क्या है? हमारी एलिमेंट्री कनाल है। देखो बक्कल कैविटी, फायरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या है आपकी? एलिमेंट्री कैनाल। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में जैसे जैसे फूड आगे जाता रह रहा है और हम लोग वैसी वैसे क्या 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 मिक्सिंग होगा, क्या क्या हम उस फूड को बोलेंगे, ये हम सब लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने फूड खाया बेटा, ध्यान समझना, फूड खाया मैंने। फूड खाऊंगा तो अब मैं फूड को मुँह में ऐसे ले रहा हूँ तो उसको क्या बोल देंगे? इंजेशन। मैंने फूड का इंजेशन किया। जैसे आप सुबह सुबह आए, क्या खा के आए बताओ? नाश्ता करके आए। आपने रोटी तो खाया होगा, ब्रेड तो खाया होगा, कुछ ना कुछ चाय वाय पी होगी ना। yes. तो देखो आपने पहले क्या किया उसका? इंजेशन। क्या किया? इंजेशन। अब भाई प्लांट क्या बताओ फूड को इंजेशन करते हैं? नहीं, उनके अंदर ही बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे फूड का हम लोग क्या करते हैं? एनिमल इंजेशन करते हैं। बेटा मैस्टिकेशन का मतलब क्या होता है? हम लोग फूड को चबाते हैं। चबाते मतलब हम लोग जो हमारे टीथ होते हैं मोलर और प्री मोलर, उनके द्वारा क्या करते हैं? मैस्टिकेशन। आप लगातार फूड चबाते रहते हो, ठीक है। और बेटा इसमें मिक्स क्या होती है? सलाइवा। क्या होती है? सलाइवा। आप लोग बताओ, मैंने आपको बताया था बक्कल कैविटी में इतने सारे काम होते हैं, यानी कि हमारी बक्कल कैविटी में क्या काम हुआ? हमने एक तो फूड का इंजेशन किया, मैस्टिकेशन किया और बेटा मिक्सिंग ऑफ सलाइवा। और आपको पता होगा सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है बेटा? सलाइवरी अमाइलेज। कौन सा होता है? सलाइवरी अमाइलेज। मतलब ये हुआ, अभी हम लोग डाइजेशन तो नहीं पढ़ रहे हैं, डाइजेशन तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी एक करके वन बाई वन करके सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है डाइजेशन। लेकिन अभी हम इतना समझ रहे हैं कि हमारे कहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो मिक्सिंग ऑफ सलाइवा हो गया। अब देखो बेटा अब ये फूड था जो, यानी कि हमारी बक्कल कैविटी में इतने काम होने के बाद ये अब इसको हम क्या बोलेंगे? बोलस। क्या बोलेंगे? बोलस का मतलब और कुछ नहीं होता है, बोलस का मतलब होता है बेटा ये फूड होगा जो वो हाँ सलाइवा होगी, मिक्सिंग सलाइवा हो जाएगी, वो गुल्ले के रूप में बन जाएगा, ऐसा होता है लुगदी टाइप का हमारा फूड ऐसा हो जाएगा, ठीक है। कभी कंकड़ निकलाता है, हम फूड को बाहर निकालते हैं तो हमको पता हुआ कैसा होता है, इसको बोलस बोल देंगे। अब बेटा ये क्वेश्चन आता है कि बताओ बोलस हम कहाँ से कहाँ तक बोलते हैं? तो आप लोग बोलोगे कि बक्कल कैविटी में मिक्सिंग ऑफ सलाइवा के बाद और स्टमक में पहुँचने तक। कब तक? स्टमक में पहुंचने तक। देखो हमने बोलस बोल दिया, अब हम इसको क्या कर देंगे? स्वालोइंग। स्वालोइंग मतलब क्या होता है? निगल लिया। हमने क्या कर लिया बेटा? निगल लिया। अब बताओ फायरिंग्स में क्या कोई डाइजेशन होता है? नहीं होता।
ईसोफेगस में कोई डाइजेशन होता है नहीं ना कोई चीज़ यानी कि उसमें मिलाई जाती है कोई एंजाइम वगैरह। हाँ ये बात सही है कि म्यूकस वगैरह तो होता ही होता है, ठीक है, उसके कोई नहीं। अब देखो फूड हमारा कहाँ आ गया, स्टमक में। आपको ये क्लियर हुआ बक्कल ग्रेविटी का? अब बेटा फूड हमारे कहाँ आ गया, स्टमक में। बच्चा अब देखो स्टमक में फूड आने के बाद यहाँ पे क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। क्या होती हैं? हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं, जिससे बेटा हाँ आपको हाँ सब म्यूकस जो बनी होती हैं। इसके बाद बेटा ये देखो यहाँ पे किसका गैस्ट्रिक ग्लैंड किसका सीक्रेशन करती हैं, गैस्ट्रिक जूस का। किसका करती हैं? गैस्ट्रिक जूस का। जब बेटा फूड में यानी कि बोलस में यानी कि स्टमक में आपको पता है 5 से 6 घंटा खाना रहता है हमारा। हाँ जो फल वगैरह होते हैं उनका भी जूस होता है। हाँ और ये भी जूस है, तो जूस में क्या डिफरेंस होता है? नहीं नहीं वो जूस में बेटा मिनरल्स होते हैं। आप तो उस वाले जूस से कंपेयर कर रहे हैं, जैसे आम एप्पल का जूस है वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं एंजाइम्स। क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पे हम लोग जैसे गैस्ट्रिक जूस है इसमें HCl पड़ेंगे, म्यूकस भी होगा, HCl भी होगा और बेटा एंजाइम भी होंगे, ठीक है। तो बेटा एक बार बताओ आप लोग, यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ गैस्ट्रिक जूस हो गया, मिक्सिंग ऑफ मतलब गैस्ट्रिक जूस को फूड में मिला दिया। बेटा यहाँ पे आपको पता है फूड हमारा 5 से 6 घंटे रहता है, कितने घंटे रहता है स्टमक में? 5 से 6 घंटे रहता है। इसके बाद ये बताओ अब इस बोलस को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? कायम। क्या बोलेंगे? कायम। यानी कि जब मिक्सिंग ऑफ गैस्ट्रिक जूस हो गया तो उस फूड को क्या बोल देंगे? कायम। बेटा आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ हम लोग कायम को कैसा फूड बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं सेमी डाइजेस्टेड फूड, मतलब ये हुआ हमारा खाने का आधा डाइजेशन हो गया। क्या हो गया? आधा। यानी कि स्टमक में जाने के बाद हमारे फूड का आधा डाइजेशन हो जाता है। अब उसको होने के बाद अब इसको क्या बोलते हैं? कायम। क्या बोलते हैं? अब बताओ बेटा ये स्टमक के बाद फूड कहाँ पे आएगा? ड्यूडनम में। कहाँ पे आएगा? यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, ड्यूडनम में। अच्छा बताओ बेटा ड्यूडनम में जो आता है फूड है, ड्यूडनम में आता है। अब ड्यूडनम में वहाँ पे बेटा क्या होता है? ड्यूडनम में आपको पता होगा उधर से पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस आता है। यस सर। आपको ध्यान है हमने पढ़ा था स्पिंचर ऑफ ऑडी यानी कि हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट वहाँ पे खुलती है। कहाँ खुलती है? ड्यूडनम में। और ड्यूडनम में खुलती है तो पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस आता है और बेटा लीवर से बाइल जूस आता है। कौन सा जूस आता है? बाइल जूस। क्लियर हुआ इतना? अब देखो यहाँ पे ये कहाँ पे आएगा बताओ? स्मॉल इंटेस्टाइन के बेटा यहाँ मैं लिख सकता हूँ ड्यूडनम वाले पोर्शन में। कहाँ पे आएगा? ड्यूडनम वाले पोर्शन में। क्लियर हुआ? जिस जो हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट से आता है आपको पता है, कल ही मैंने बताया लेक्चर में। और इसके यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा बताओ ड्यूडनम वाले पोर्शन में? देखो एक तो मिल जाएगा बाइल जूस जो कहाँ से आया है? लीवर से। कहाँ से आया है? लीवर में बनता है, जिसका फॉर्मेशन लीवर में होता है। स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लेडर में। कल ही हमने समझा था। इसके बाद बेटा मिक्सिंग ऑफ पैनक्रियाटिक जूस यहाँ पे यानी कि ड्यूडनम वाले पोर्शन में क्या मिक्स हो जाता है? पैनक्रियाटिक जूस। अब इन जूसों में क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। लेकिन बेटा बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे पिगमेंट होते हैं, वो हम अगले पढ़ेंगे, ठीक है। इस बाइल जूस का काम क्या होता है? ये जो होता है बाइल जूस में पिगमेंट्स होते हैं, एक एक का होता है बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। हम लोग डाइजेशन जब एक एक करके पढ़ेंगे सबके बारे में तभी हम ये सब चीज़ें आपको बताएंगे। जैसे आपका जैसे सलाइवा का क्या काम होता है, इसके बाद तुम्हारा गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम होते हैं वो किसको डाइज करते हैं, ये भी हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो मैं खाली फ्लोचार्ट आपको बता रहा हूँ पूरा। इसके बाद बेटा आप लोग बताओ ये कायम से अगर ड्यूडनम वाले पोर्शन में जब एक कायम में बाइल जूस मिल गया और क्या मिल गया बेटा? पैनक्रियाटिक जूस, तो उस फूड को हम क्या बोल देंगे? कायल। क्या बोल देंगे? कायल। और बेटा कायल जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अगले पोर्शन में जाता है यानी जेजनम वाले पोर्शन में, वहाँ पे क्या होता है? इंटेस्टाइनल जूस। क्या होता है? इंटेस्टाइनल जूस। और बेटा आपको ये पता होना चाहिए इंटेस्टाइनल जूस को पता है क्या बोलते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टेड जूस भी बोलते हैं। यानी कि इसके बाद ये इंटेस्टाइनल जूस जो फूड का कंप्लीट डाइजेस्ट कर देता है फूड को। और बेटा इसके बाद बताओ काइल के बाद ये कंप्लीट डाइजेस्टेड फूड हो गया। अब ये कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन में इसका क्या कर लिया जाएगा? जो मिनरल्स वगैरह होंगे, वाटर वगैरह होगा, उसका क्या कर लिया जाएगा? एब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा। और बाद में जो बचेगा क्या? फीकल मैटर। क्या बचेगा? फीकल मैटर, जो यानी कि एनस के थ्रू बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको ये फ्लोचार्ट क्लियर हुआ? सबसे पहले हमारा फूड कहाँ गया बेटा? बक्कल कैविटी में। मिक्सिंग ऑफ सलाइवा हुआ, हमने क्या बोला? बोलस। इसके बाद फूड हमारा स्टमक में गया, मिक्सिंग ऑफ गैस्ट्रिक जूस हुआ, तो हमने क्या बोला उसको? कायम।
क्या बोला? काइम। इसके बाद हमारा इड्यूडनम वाले पोर्शन में आया, और बेटा वहाँ पे मिक्सिंग ऑफ क्या हुआ? बाइल जूस, और मिक्सिंग ऑफ पैनक्रियाटिक जूस को क्या बोला हमने? काइल। और काइल के बाद हमारा क्या हुआ? इंटेस्टाइनल जूस मिला, और इंटेस्टाइनल जूस को क्या बोलते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। और इसके बाद हमारा यानी कि क्या हुआ? कंप्लीट डाइजेशन हो गया। बाद में क्या बचा? फीकल मैटर। तो आपको एक ओवरव्यू मिल गया पूरा, इस फ्लो चार्ट से क्लियर हो गया कि हमारा फूड कहाँ कहाँ जाएगा और क्या क्या मिलेगा। अब हम लोग वन बाई वन करके, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? बक्कल कैविटी में सलाइवरी यानी कि सलाइवरी अमाइलेज द्वारा कैसे कैसे डाइजेशन होता है, ठीक है? तो अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा बक्कल कैविटी का डाइजेशन। चलो बेटा, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग डाइजेशन पढ़ेंगे एक करके। जैसे हमने पहले बक्कल कैविटी में देखा था, इसके बाद कहाँ हुआ था? स्टमक में हुआ था। इसके बाद बेटा कहाँ हुआ था? ड्यूडनम वाले पोर्शन में, और इंटेस्टाइनल जूस से। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ देखेंगे? बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी में कैसे डाइजेशन होता है और किसका होता है, ठीक है? सबसे पहले आपने फूड को खाया, सही है? आपने बेटा खाने के बाद उसमें क्या मिलेगी? सलाइवा मिलेगी। क्या मिलेगी? सलाइवा। आपने पहले टीथ पे, वहाँ पे माउथ में क्या होता है? टीथ के द्वारा हम फूड को मैस्टिकेट करते हैं। इसके बाद जो टंग होती है वो प्रॉपर सलाइवा को मिक्सअप कर देती है। क्या कर देती है? मिक्सअप। क्लियर? तो देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, देखते हैं और हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डाइजेशन इन ओरल कैविटी बोलो चाहे बक्कल कैविटी बोलो, यानी कि हम लोग बक्कल कैविटी में डाइजेशन पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे फूड का बेटा 30% स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ में हो जाता है। क्लियर हुआ? तो इसीलिए हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? माउथ से। यानी कि हमारे बेटा फूड का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो देखो सबसे पहले लिखा है कि ए डाइजेशन एंड ओरल कैविटी लिखा है टू मेजर फंक्शन। हमारे जो मेजर फंक्शन है वो ए बक्कल कैविटी में क्या क्या होते हैं? देखो सबसे पहला क्या होता है बेटा? मैस्टिकेशन ऑफ फूड। किसके द्वारा? विद द हेल्प ऑफ टीथ। यानी कि टीथ की हेल्प से बेटा क्या होता है? हेल्प ऑफ टीथ। यानी कि टीथ की हेल्प से क्या होता है? मैस्टिकेशन ऑफ फूड। हम खाना को चबाते हैं, सही है। नेक्स्ट बेटा क्या काम होता है? फैसिलिट ऑफ स्वालिंग। बेटा एक बार बताओ, क्या ये बक्कल कैविटी हमारे लिए स्वालिंग करने के लिए एक वो, यानी हम खाना निकलते हैं किस कैसे निकलते हैं? बक्कल कैविटी हमारी हेल्प करती है किसमें? स्वालिंग में। तो क्लियर हुआ? दो मेजर फंक्शन किसके होते हैं? बक्कल कैविटी के, क्योंकि इसमें टीथ होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? मैस्टिकेशन करते हैं फूड का। और सेकेंड काम क्या होता है बेटा? फैसिलिट इन द, यानी कि स्वेलिंग में हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है, ठीक है? नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट दिखाए और टंग की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? सलाइवा प्रॉपरली मिक्स्ड अप द फूड। यानी कि जो सलाइवा होती है वो बेटा ये सलाइवा को मिक्स किससे करते हैं हम लोग? अपनी टंग से। किससे? टंग से। भाई टंग चलती नहीं रहती है हमारी, देखो आप जब खाना खाओगे तो लगातार चलती रहेगी, तो सलाइवा क्या करती है? मिक्स होती रहती है फूड में। क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो सलाइवा होती है, सलाइवा क्या होती है? लाल, सही है? सलाइवा देखो, सलाइवा की पीएच बेटा कितनी होती है? 6.8। देखो आपको माउथ में ना तो कुछ ऐसा लगता है कि खट्टा माउथ है हमारा, ना तो ऐसा लगता है कि कुछ कड़वा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पीएच इसकी क्या होती है? 6.8 मतलब 7 के समथिंग होती है, सही है? और 7 के समथिंग का मतलब क्या हुआ कि हमारा फूड में कैसा भी टेस्ट हमारे लिए नहीं रहेगा, ठीक है? इसीलिए इसकी सलाइवा का पीएच कितनी होती है? 6.8 होती है। सेकेंड देखो, अब सलाइवा में होते क्या क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स में तुम्हारे क्या जाएगा? सोडियम आयन्स, पोटेशियम आयन्स, सही है, क्लोराइड, SCO3 यानी कि बाई कार्बोनेट आयन होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सही है? नेक्स्ट देखो, एंजाइम्स तो आपको पता ही, सलाइवा में एंजाइम्स होता है, कौन सा? सलाइवरी अमाइलेज। इसको बेटा दूसरे नाम से हम लोग टाइलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइलिन, ठीक है? चलो, और इसके बाद बेटा लाइसोजाइम होते हैं। क्या होते हैं? लाइसोजाइम क्या होता है? ये एंटी बैक्टीरियल एजेंट, मतलब आप खाना खा रहे हो, आप लोग कभी कभी होता है कि भाई कुछ बिकने आ गया तो आपने क्या खरीद लिए? सेब खरीद लिए, और सेब को ना धोला को ना कुछ किया, ऐसे ही लिया और खाने लगे, तो उसके कहीं ना कहीं बैक्टीरिया जो होंगे हमारे कहाँ चले जाएंगे? माउथ में ही। अगर बेटा हमारे एक बॉडी में अगर ऐसी चीज़ें ना हों जो क्या करें, यानी कि बैक्टीरिया को ख़त्म, जैसे स्टमक में SCL होता है जो बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, हमारे माउथ में ये सलाइवा में क्या होते हैं? लाइसोजाइम होते हैं, बैक्टीरिया क्या कर देते हैं? ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें डिजीज नहीं हो पाती, वरना हमें लाखों डिजीज आएंगी एक ही दिन में, समझ में आया? क्योंकि बैक्टीरिया हमको पता है कहाँ पर किसका बैठा है? नहीं पता है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइसोजाइम होते हैं, ये क्या काम करता है? एंटीबैक्टीरियल एजेंट, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कहाँ पर होता है? सलाइवा में। कहाँ होता है? सलाइवा में। नेक्स्ट बेटा क्या होता है? म्यूकस, सही है? म्यूकस तो होगा ही, क्योंकि बेटा म्यूकस से क्या होगा? फूड लुब्रिकेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो देखो
लिखा है म्यूकस एंड सलाइवा हेल्प इन लुब्रिकेटिंग द मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल इनटू अ बोलस। जो बेटा फूड से बोलस में कन्वर्ट होता है यानी कि फूड से बोलस बनता है वो वहाँ पे क्या मिलती है, सलाइवा म्यूकस मिलता है और म्यूकस क्या कर देता है, फूड को लुब्रिकेट कर देता है। क्या कर देता है बेटा, लुब्रिकेट। और जब फूड लुब्रिकेट हो जाएगा तो आप लोग बताओ बोलस में कन्वर्ट हो ही जाएगा अपने आप। और बोलस उसी को तो हम बोलस बोलते हैं जो गोली गोले गुल्ले टाइप का बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखा है बोलस मूव्स थ्रू फायरिंग्स इनटू द ईसोफेगस एंड फर्दर मूव डाउन थ्रू ईसोफेगस बाय पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट। बेटा अब यहाँ पे सुनो, बोलस हुआ, आपने स्वेलिंग किया, फूड निकल लिया, तो जो फूड हमारी इंटेस्टाइन में यानी कि वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में ईसोफेगस में एक मूवमेंट होता है। क्या होता है, एक मूवमेंट, जिसमें क्या होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो बेटा ये इधर देखो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन ऐसे हल्के हल्के मूवमेंट करती रहती है, जिससे क्या होता है हमारा फूड आगे की तरफ बढ़ता रहता है। और उस मूवमेंट को बोलते हैं बेटा पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाइलिसिस मूवमेंट, इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारा खाना क्या बढ़ता है बेटा, आगे जाता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लिखा है 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड इन द ओरल कैविटी, यानी कि बेटा 30% स्टार्च का डाइजेशन कहाँ हो जाता है, बक्कल कैविटी में। क्लियर, 30%। आप लोग बताओ बेटा स्टार्च क्या होता है, पॉलीसेकेराइड है ना, क्या है, पॉलीसेकेराइड है ये। और बेटा पॉलीसेकेराइड को किस में कन्वर्ट कर दिया, देखो सलाइवरी वाले ने, माल्टोज में, माल्टोज कैसे होगा रहे, डाइसेकेराइड। तो बताओ पॉलीसेकेराइड से कन्वर्ट किस में हो गया, डाइसेकेराइड में। क्लियर, और डाइसेकेराइड से किस में हो जाएगा, मोनोसेकेराइड में। और जब मोनोसेकेराइड में हो जाएगा तो यानी कि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। क्लियर हुआ, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, पॉलीसेकेराइड को हमने कन्वर्ट किस में कर दिया, डाइसेकेराइड में। यानी कि हमारे मौत में बेटा स्टार्च जो स्टार्च है उसको हमने कन्वर्ट किस में करा दिया, माल्टोज में। ठीक है, माल्टोज का शुगर है डाइसेकेराइड। तो क्लियर हुआ इतना आपको। तो आपने बेटा डाइजेशन इन ओरल कैविटी समझ लिया, यहाँ पे सलाइवा होती है 30% डाइजेशन हो जाता है, और यानी कि सलाइवा म्यूकस होता है, लाइसोजाइम होता है जो क्या करता है एंटीबैक्टीरियल होता है। ये सब क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डाइजेशन इन स्टमक, क्योंकि हमारे फूड में बेटा अब यहाँ पे होने के बाद कहाँ होता है, डायरेक्ट स्टमक में। तो हम लोग पढ़ेंगे अब डाइजेशन इन स्टमक। चलो बेटा अब हम लोग किसका कहाँ पे डाइजेशन पढ़ेंगे, डाइजेशन इन स्टमक कहाँ पे पढ़ेंगे, डाइजेशन इन स्टमक। बेटा हम लोगों ने पैनक्रिया यानी कि जो बक्कल कैविटी थी वहाँ पे डाइजेशन पढ़ लिया, वहाँ पे डाइजेशन पढ़ लिया। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ पे डाइजेशन, स्टमक में। तो स्टमक में आपको बताया गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, क्या होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो बनी होती हैं वो तीन टाइप की सेल से बनी होती हैं, कितने टाइप की सेल से बेटा, तीन टाइप की। अच्छा आपको ये पता है गैस्ट्रिक स्टमक होता है वहाँ पे फूड कितनी देर रुकता है, कम से कम बेटा चार से पाँच घंटे। ठीक है, तो हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड की अगर बात करें तो ये तीन टाइप की सेलों से बनी होती हैं। देखें कौन कौन सेल हैं, देखो बेटा सबसे जो पहली सेल होती है उन्हें बोलते हैं म्यूकस नेक सेल। क्या बोलते हैं, नाम से ही पता लग रहा है म्यूकस नेक सेल, यानी कि सीक्रेट क्या कर रही हैं, म्यूकस का सीक्रेशन कर रही है। ठीक है, कौन सी सेल, म्यूकस नेक सेल। सेकेंड है बेटा पैप्टिक, ये इनका दूसरा नाम होता है चीप सेल। आप लोग तो ऐसे याद करना, पैप्टिक और चीप सेल, मतलब साथ साथ, चाहे चीप आ रहा है चाहे पैप्टिक आ रहा है, आपको ध्यान रहे। ठीक है, पैप्टिक और चीप सेल। और बेटा यही तो एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं, कौन से, पेप्सिनोजन और रेनिन। कौन सा एंजाइम, पेप्सिनोजन एंड रेनिन, यानी कि जो हमारी स्टमक होता है उसमें जो बेटा पैप्टिक सेल होती हैं वो किसका सिक्रेशन करती हैं, कौन सा एंजाइम का, पेप्सिनोजन और रेनिन। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड नंबर की टाइप की सेल होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पैराइटल। कौन सी बोलते हैं, या फिर हम नाम बोल सकते हैं बेटा ऑक्जेंटिक सेल। क्या बोल सकते हैं, ऑक्जेंटिक सेल। ये क्या करती हैं, सीक्रेशन करती हैं एससीएल का, किसका, एससीएल का, और कुछ इंट्रेंसिक फैक्टर का करती हैं। सर ये इंट्रेंसिक फैक्टर क्या होते हैं, तो बेटा ये प्रोटीन कुछ टाइप की होती है, यानी कि हम बोल सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन, जो हेल्प पता है किस में करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व, यानी कि जो विटामिन बी ट्वेल्व होता है उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं ये इंट्रेंसिक फैक्टर। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बेटा। हमने क्या देखा, देखो हमने तीन टाइप की सेल देखी, किसमें, स्टमक में, यानी कि स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड में, स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड में। कौन कौन सी, सबसे पहले म्यूकस नेक सेल, दूसरी पैप्टिक और चीप सेल, और थर्ड पैराइटल या फिर
ऑक्सीजेंटिक सेल। बेटा क्वेश्चन नीट कैसे ही हो सकता है, आपसे पूछ सकता है कि बताओ पेप्सिनोजन एंड रेनिन का सीक्रेशन कौन सी टाइप की सेल से होता है, सही है? या ऐसे बताओ बेटा, अब देखो ये तीन टाइप की सेल होती हैं, इन तीनों के सीक्रेशन को मिला के क्या तीनों टाइप से सेल, क्या तीनों टाइप की सेल मिलती है तो क्या बनती है? ग्लैंड। और इन तीनों टाइप की सेलों से जो सीक्रेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। अब आप लोग बताओ बेटा गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीज़ होगी? देखो सबसे पहले म्यूकस होगा, सही है? सेकंड बेटा क्या होगा? पेप्सिनोजन एंड रेनिन एंजाइम होगा। और थर्ड बेटा क्या होगा? HCl। एक बात बताओ, अगर यहाँ पे HCl है तो आपको पता होगा HCl क्या है, एक एसिड है, तो इसकी pH क्या होगी? बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। pH पता है कितनी हो जाती है गैस्ट्रिक जूस की? 1.8। pH कितनी हो जाती है? 1.8, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? HCl। तो बेटा पॉइंट लिखा होगा, देखो ये लिखा है स्टमक स्टोर द फूड कितने घंटे रहता है? 4 से 5 घंटा, सही है? नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है गैस्ट्रिक जूस हैविंग pH कितनी होती है बेटा? 1.8। अच्छा सलाइवा की pH कितनी थी बेटा? 6.8। और यहाँ पे कितनी हो गई? 1.8। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे HCl होता है। क्या होता है? HCl। क्लियर हुआ इतना? अब देखो ध्यान समझो बेटा डाइजेशन कैसे होता है। नहीं नुकसान क्या है, ये तो HCl क्या करता है बेटा, अभी इसका काम बता रहा है। देखो ये देखो ये जो पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन एंजाइम कौन सा है? पेप्सिनोजन बेटा ये सीक्रेशन होता है तो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। कौन सी फॉर्म में होता है? इनएक्टिव फॉर्म में। मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये अभी डाइजेशन किसी का नहीं करेगा। अब इसमें जो HCl होता है इसकी प्रेजेंस में जो पेप्सिनोजन होता है वो कन्वर्ट किस में जाता है? पेप्सिन में। किस में जाता है? पेप्सिन में। अब बेटा ये पेप्सिन कैसी फॉर्म है? एक्टिव फॉर्म। कैसी फॉर्म बोल सकते हो आप? एक्टिव फॉर्म। अब ये पेप्सिन बेटा जो प्रोटीन हम लोग खाते हैं, आप लोग खाने में दाल खा रहे हो, क्या खा रहे हो? दाल। बेटा स्टमक में जाएगी, वहाँ पे पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को बेटा तोड़ देगा। किस में? प्रोटियोसिस में और पेप्टोन्स में। किस में तोड़ देगा? प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स। आपने क्या देखा कि एंजाइम था कौन सा? पेप्सिनोजन, जिसको कन्वर्ट किसमें? HCl ने किसने किसमें कर दिया? पेप्सिन में। और पेप्सिन ने प्रोटीन को किसमें तोड़ दिया? प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में। क्लियर, इतना क्लियर हुआ बेटा, यानी कि ये क्लियर हुआ बेटा। अब देखो यहाँ पर रेनिन एंजाइम भी तो होता है, कौन सा होता है? रेनिन। ये बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है सीक्रेशन का, रेनिन का, क्योंकि बच्चे क्या पीते हैं? दूध। क्या पीते हैं बेटा? दूध। तो यानी कि लिखा है फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट। इन्फेंट मतलब बच्चा, जो छोटे बच्चे होते हैं दूध पीते हैं। तो बेटा रेनिन का काम होता है कि मिल्क की जो मिल्क की प्रोटीन होती है उसको डाइजेशन करना, यानी कि मिल्क का डाइजेशन करना। दूध का काम वो इसका रेनिन का काम होता है, ठीक है? तो छोटे बच्चे दूध पीते हैं इसलिए उनके जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें रेनिन का सीक्रेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। और बच्चा क्योंकि क्या करता है? दूध पीता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा, सही है। इसके बाद लिखा है म्यूकस, जो म्यूकस होता है और बाइकार्बोनेट्स आयन होते हैं ये गैस्ट्रिक जूस में होते हैं। ये क्या काम करते हैं? लुब्रिकेट करते हैं फूड को। और सेकंड बेटा क्या करते हैं? ये प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं म्यूकोसल एपिथेलियम को। किससे? HCl से। किससे बचाते हैं? HCl से। और बेटा नेक्स्ट लिखा है कुछ अमाउंट में यहाँ पे लाइपेज भी पाया जाता है फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस। ये बेटा स्टार पॉइंट है, याद रखना आपने। बेटा लाइपेज भी एक एंजाइम होता है लेकिन अब ये इनएक्टिव फॉर्म में है। जब ये ड्यूडनम वाले पोर्शन में फूट जाएगा हमारा, यानी कि हमारा फूड कहाँ जाएगा? ड्यूडनम वाले पोर्शन में। तो ये लाइपेज एक्टिव हो जाएगा कौन से जूस से? बाइल जूस से। यानी कि बाइल जूस को एक्टिव करता है लाइपेज को, ठीक है? तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना सम अमाउंट में कितना क्या पाया जाता है। स्टार नॉलो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस में? गैस्ट्रिक जूस में।